शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए तमाम समाज सेवी संस्थान आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिवपुरी जिला अस्पताल में द बेटर शिवपुरी नामक ग्रुप द्वारा जिला अस्पताल में पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के बाद जिला अस्पताल के सामने दुकानदारों को आसपास सफाई करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही सड़क पर गंदगी न फेंकने के लिए जागरूक किया। अब द बेटर ग्रुप शिवपुरी द्वारा एक सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही इस संस्थान में और भी युवाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि संस्थान को आगे चलकर शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने में और बेहतर कार्य कर सके। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अरविंद ठाकुर नाम है मेरा, मैं यहाँ से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 7 से। स्वच्छता के विषय में ये कहना है कि बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है अभिषेक दुबे जी के द्वारा, और मेरा सभी से ये कहना रहेगा कि सभी को इनका सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए, इनका हाथ पकड़ करके भैया कि आप जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम भी आपके पीछे हैं। और रही बात नगरपालिका की, नगरपालिका भी सहयोग कर रही है और करेगी, ऐसा नहीं है कहीं से कहीं तक भी नगरपालिका सहयोग नहीं करना चाहती है। अध्यक्ष जी भी कार्य कर रही हैं, अपना अध्यक्ष जी रात दिन दौड़ रही हैं, और महाराज भी काम कर रही हैं, महाराज साहब भी काम कर रही हैं। अभिषेक का बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा है शिवपुरी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें दोनों तरीके का है, कि दुकानदार हैं जो शॉपकीपर्स हैं या ठेले वाले हैं, उनको यही समझाया जा रहा है कि वो भी कचरा ना फैलाएं, क्योंकि अगर कचरा जब रोड पर फेंकेंगे ही नहीं तो कचरा आएगा कहाँ से, हमें कचरा साफ करना ही नहीं पड़ेगा। कचरा जब रोड पर नहीं होगा तो नेचुरल है कि उसके लिए सफाई अभियान भी नहीं उतना लिमिटेड चलाना पड़ेगा। सभी लोग कोलाबोरेशन में काम करेंगे, अध्यक्ष जी भी करेंगी, सपोर्ट करेंगी, नगरपालिका करेगी, बिल्कुल करेगी, 100% सभी लोग सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा अभी समय लग रहा है और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है अभिषेक भाई के द्वारा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इनके द्वारा जो सोच है, विचार है, उसके बारे में सराहना करनी चाहिए और सभी को साथ देना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। नहीं, इसमें एक्चुअली होता क्या है, समय हो सकता है कि वो दूसरी जगह, जी अभी हमने द बेटर शिवपुरी किया है, उसके बाद से हम सोशल मीडिया पे हम चर्चा कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम चर्चा कर रहे थे, और सभी जो सदस्य हैं द बेटर शिवपुरी की जो टीम है उन सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है स्वच्छता अभियान की तो हमने जिला अस्पताल को स्वच्छता के लिए चुना। आज मेरे सभी साथी, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी वरिष्ठ जन भी मेरे साथ शामिल हुए और हम सब ने मिलकर जिला अस्पताल की साफ सफाई की। जिला अस्पताल के दोनों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है प्लांटेशन के लिए, उसमें काफ़ी कचरा जमा हो गया था। आसपास की दुकान वालों को भी हमने समझाया है, कचरे की भी हमने सफाई करी है। और पास में जो पानी की टंकी है वहाँ पे जो परिजन आते हैं, मरीजों के जो परिजन आते हैं, वो खाना खाने के बाद वहीं पे कारा फेंक देते थे, तो पानी की टंकी काफ़ी गंदी थी, हमने उसकी भी सफाई करी है। और यहाँ पे जो स्टाफ है, दुकान वाले, उनको काफ़ी समझाया है कि आगे से वो ध्यान रखेंगे, एक बार हमने सफाई कर दी, आगे से इस तरह की गंदगी ना हो, इसके लिए सभी लोग सहयोग करने तैयार हो गए हैं। जी मुझे लगता है कि अगर हम खुद से शुरुआत करें, हम खुद झाड़ू लेके सड़क पर निकले, सार्वजनिक जगहों पर निकले, तो जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं उससे वो बिल्कुल इस बारे में सोचेंगे कि ये हमारा ही कचरा है और ये लोग आगे साफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शर्मिंदा होंगे और आगे से कचरा ना करने के संकल्प लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।